even get some calls. हाय गाइज, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई अर्ली मॉर्निंग आज आ रखे हैं, हाइपर ड्राइविंग करने, हाइपर राइड पे जा रहे हैं भाई। लक्ष्य भाई साथ है। ये वीडियो शूट हो रही है मेन चैनल के लिए। yes. तो गाइज कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो भाई अपनी वर्टस जीटी की ये पहली हाइपर ड्राइव होगी। अभी गाड़ी 1000 किलोमीटर भी जो है भाई नहीं चली है, बस 793 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर आप कह सकते हो चलिए। तो क्रेटा है भाई हमारे पास, स्टेज 2 ट्यून्ड वाली। इसकी काफी वीडियोस आपने देखी होंगी भाई। आप आगे रखो, मेरी गाड़ी मॉडिफाइड है। अच्छा, रास्ता नहीं बताना? कोई नहीं, नीचे चलो। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी तो स्टार्ट नहीं कर रहे हाइपर ड्राइव, बीच में थोड़ा सा खेच हमारा था भाई, लेकिन क्या कहते हैं, एक बार सब इकट्ठे हो जाएंगे, खाली रोड पे चले जाए फिर सेफ रहता है। इस वजह से ज़्यादा अभी कुछ भगा नहीं रहे, अभी नॉर्मल चल रहे हैं। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि वर्टस जीटी की अपनी की भाई टॉप स्पीड चेक करो। तो टॉप स्पीड का तो कुछ कह नहीं सकता, पर आज हाइपर ड्राइव है तो भाई मतलब कुछ तो गाड़ी का पता चलेगा कि गाड़ी में कितनी जान है। क्रेटा को भाई हम उस रोड पे ले गए थे, रोड का नाम नहीं बताऊंगा मैं, अराउंड 210 के आसपास ले गए थे। 210 तक हमने अपनी क्रेटा टर्बो चढ़ा दी थी, अपनी माफिया क्रेटा। तो देखते अपनी माफिया जीटी कितनी जा पाएगी, ये तो उससे ज़्यादा ही है, हर चीज़ में आगे है उससे बिल्कुल। परफॉर्मेंस वाइज तो मतलब इस गाड़ी का मतलब अपने सेगमेंट में कोई तोड़ ही नहीं है। तो देखते हैं आज इसको भी, फटाफट पहुँचते हैं। बाकी बीच बीच में तो मैं दिखाता ही रहूँगा, ऐसे खेचे मारेंगे जब हम ऐसे। और जो है मतलब एग्जॉस्ट की साउंड आती है ना भाई वर्टस जीटी की गाड़ी के अंदर, एक नंबर स्पोर्टी साउंड आती है। और स्टॉक है, मतलब आवाज़ इतनी प्यारी है स्टॉक में ही, कुछ करवा दिया ना तो मतलब सोने ना दे गाड़ी किसी को। वो लक्ष्य भाई ने भगाई भाई, हम भी भगाएंगे अब। इस गाड़ी को पकड़ना मुश्किल है भाई, ये बहुत भागती है, बहुत ज़्यादा भागती है। देख लो भाई इस गाड़ी को ये ड्रैग रेस भी नहीं जीतने देती किसी को, पर इसको हम हराएंगे सून। ड्रैग रेस तो अभी भी नहीं जीतने देगी अपनी, मेरे DSG का लैग है ना, तो शायद हार ही जाएगी। पर देखो किसी दिन करके देखते हैं, क्या पता हम जीत जाएं इस बार। एंड हाँ भाई, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा पावर स्पेक्स अपनी जो फॉक्सवैगन वर्टस जीटी है, तो भाई इसमें आता है 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो चार्ज्ड इंजन, और वो निकालता है अराउंड 150 BHP 250 Nm टॉर्क। और गेयरबॉक्स आता है भाई इसमें DSG DQ 200 भाई, मतलब इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये मेरे को बताना था गेयरबॉक्स का भी, मैं इसको आपको बताऊंगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। लेकिन आज तो हाइपर राइड पे आप हाइपर ड्राइव पे ध्यान दो यार। मैं हाइपर ड्राइव को हाइपर राइड बोल देता हूँ, राइड तो बाइक वाले करने जाते हैं ना, या गाड़ी वाले भी बोल सकते हैं, कमेंट करके बताना। सो हम सारे इकट्ठे हो चुके हैं गाइज, और क्रेटा पीछे से भाई लक्ष्य भाई लेके आ रहे हैं। तो गाड़ियाँ बता देता हूँ कौन कौन सी हो गई हैं। अभी आपके सामने चल रही है X1 पेट्रोल, उससे आगे है पोलो 1 लीटर पेट्रोल TSI, उससे आगे है किया सेल्टॉस 1.4 पेट्रोल DCT जो मेरी क्रेटा थी, सेम वही भाई और ट्यून्ड है वो। उससे आगे चल रही है आबर्थ पुंटो, वो भी ट्यून्ड है, क्रेटा भी ट्यून्ड है। X1 का मुझे पता नहीं, पोलो स्टॉक है अपनी, वर्टा स्टॉक है, मतलब VW की दोनों गाड़ियाँ जो ग्रुप में अभी वो स्टॉक कार्स हैं, बाकी उसमें और कुछ काम हो रखे, लेकिन रीमैप नहीं हो रखी है। तो चलो अब चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। अब वेट नहीं हो रहा, बस फटाफट से अभी हो रहा है कि जल्दी मतलब भगाने को दो अब गाड़ी, रास्ता दिखा दो बस। अब 6:15 हो गए, सो भाई स्टार्ट हो चुकी है हाइपर ड्राइविंग। अभी वैसे हम अपने वाले रोड पर आए नहीं हैं, पर हमारी सारी गाड़ियाँ चल रही है भाई खींच, एक नंबर का फन आ रहा है भाई। और सामने देखो लेजेंडरी कार आबर्थ पुंटो, बहुत सेक्सी गाड़ी है भाई, सबसे आगे चल रही है, सेकंड पे अपनी वर्टस चल रही है,
और एग्जॉस्ट लो भाई आप अपने गाड़ी का स्टॉक ही, और सेल्टॉस में लगा हुआ है भाई बोरला, वो भी बहुत सही चल रही है भाई साहब। उनटो की हैंडलिंग देखो कार्स देख लो भाई, जो जो आज हाइपर ड्राइव पे हमारे साथ हैं, X1, पोलो, वर्टस, अबर्थ, सेल्टॉस, क्रेटा और एक और पुंटो है भाई। काफ़ी गाड़ियाँ आज, क्या सेक्सी लग रही है अपनी। लो जी स्टार्ट हो गई है हाइपर ड्राइव, लो भाई पकड़ो अब हम मंगाएं गाड़ी। सेल्टॉस और पुंटो जा रही है पूरी खैच एंड खैच, और अब हम लेंगे भाई स्पोर्ट्स मोड में ही है अपनी जो है वर्टस है, चल रहे हैं भाई 140 150 भाई क्या रोड है यार, मजा आ गया 160 170 ओ भाई 180 तो जब ही चढ़ गई भाई, पकड़ नहीं पा रही सेल्टॉस को, अबर्थ को, अगर ट्यून्ड है अपनी स्टॉक है गाड़ी 170 प्लस चल रही है भाई गाड़ी, अब देखते हैं कितना जाएगी 180 भाई। जो स्पीड क्रेटा आ रही है भाई पीछे से 191 हो गई अपनी 195, 200 जाने वाली है 200 200 200 200, जूम मार हाँ आ गया अभी हम इसको पास करेंगे सेल्टॉस को। ये देखो भाई मंदी कर ली थी वैसे भाई ने, अब देखते हैं हम टॉप कितनी जाएगी, खाली है बिल्कुल। सिक्स्थ गियर गाड़ी ने ले लिया है 202 3 203 है भाई, ब्रेक ले लेते हैं, बाइक आ गई थी भाई सामने। भाई साहब मज़ा आ गया, 203 तक भगाई वर्टस, उसके बाद स्लो हो जाती है बिल्कुल। और ये देखो भाई ये गई X1 क्या स्पीड से गई है भाई, और सेल्टॉस आ रही है, पकड़ भाई दोबारा पकड़, पूरा फोकस ड्राइविंग पे ही रखने दो अब हमें, अभी पकड़ते हैं हम X1 को, मुश्किल है वैसे पेट्रोल X1 है, बट ट्राई करते हैं उसमें क्या है ट्राई करने में। ये देखो भाई 170 पे फ्लाई बाय, लो जी सबसे आगे चल रहे हैं हम। ओ भाई 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 ओ भाई, आराम से आराम से आराम से, स्लो हो जा। फुल टक्कर चल रही है भाई X1 और अपनी, वैसे X1 के सामने ये तो कुछ है नहीं, पर वही है भैया मंदी कर लेते हैं X1 वाले के साथ, रेस लग गई है भाई रोड पे, देखते हैं क्रेटा जा पाएगी नहीं जा पाएगी भाई, जा तो रही है भाई साहब, और 140 पास पास हम निकल गए भाई आगे, ये तो शायद मंदी करी है लक्ष्य भाई ने, मजा आ गया भाई। एक दो तीन बाइक रहता और अपनी रेस स्टार्ट हो गई है। अरे बंदे साइड हट जा, मैंने पंजा छोड़ दिया था भाई, पीछे रह गया वह बाइक वाला आ गया था, देखते हैं क्रेटा को वर्टस पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी। ब्रेक लग गए ना वहाँ पे मामला ख़राब हो गया क्रेटा वहाँ पे भाई, दम तो है इस क्रेटा में आपने देखा ही है, ब्रेक ही ले लेता हूँ मैं ज़्यादा क्या होगा, चलो फिर एक बार लेता हूँ ड्राइव, मन तो कर रहा है पर थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा कर्व्स पे,
क्योंकि टायर शायद है ना जो इसके हैं वो इतने बढ़िया है नहीं गाड़ी के। और भाई क्रेटा से करते टाइम है ना ड्राइव मोड पे भी रह गई थी अपनी गाड़ी, तो एक शायद ये भी रीज़न होगा, स्पोर्ट्स में ज़्यादा भागती है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी ब्रेक लग गए ना वहाँ, वो दिक्कत हो गई। अब फिर से एक बार हम इसको 200 लेके जाएंगे, अब देखते हैं कितनी जाती है भाई। 180 अब पकड़ना मुश्किल है। सेल्टोस देखो भाई, सेल्टोस को नहीं पकड़ पा रहे हम। सेल्टोस कितनी स्पीड पे चल रही है? 200 अब पकड़ेंगे हम सेल्टोस को, 200 पे भाई बाय बाय करेंगे। 200 पे बाय बाय। दो सौ तीन लास्ट जाती है भाई। टॉप स्पीड चेक, ब्रेक ले लेते हैं। कर्व आ गया है भाई, स्पीड पे कर्व पे थोड़ा रहती है भाई टेंशन सी। अब आया ना मजा, है ना, फिर जाने देते हैं। पंजा फिर दे दिया भाई हमने। X1 जाएगी साइड से, ये गई भाई X1 180 पे गई है भाई। हमारी 180 पे थी और X1 आराम से 200 रुपये होगी। खत्म भाई रोड, खत्म राइड, खत्म। भाई मैंने ब्रेक ले लिए, तो ड्राइव मोड पे थी मेरी, ब्रेक ले लिए तो ड्राइव मोड पे थी। खुशी है, कोई चक्कर नहीं। मैंने 200 पे पीछे सेल्टोस को करा है। ओ भाई, हाँ हाँ आराम से। शेट, 200 अभी करी? हाँ सही है। 200-300 ऊपर नहीं जाती यार ये। जाएगी जाएगी। नहीं जा रही, पूरा जोर लगा लिया। 200-300 ऊपर नहीं जाती। 203 कम थोड़ी होती है। अरे 260 का मीटर है। 203 लास्ट। 200 पे छोड़ा मैंने सेल्टोस को पीछे। 195 तक गया था। कैसा मजा आया वीडियो देख के, हाइपर ड्राइव देख के मजा ही आ गया होगा, है ना। मेरे को भी मजा आ गया गाड़ी चला के, लेकिन थोड़ा सा मेरे को टायर्स का इश्यू लगा इस गाड़ी में। सीएट के जो टायर्स है वही जेके टायर जो क्रेटा में थे वैसे ही हैं भाई। ग्रिप इतनी अच्छी नहीं बन रही है उनकी, तो आगे फ्यूचर में चेंज तो करवाने ही पड़ेंगे, थोड़े बढ़िया टायर लगवाने पड़ेंगे। और गाड़ी भाई टॉप स्पीड चेक हो गई, मैंने बोला था वैसे कि मतलब पक्का नहीं है कि होगी या नहीं होगी, डिपेंड रहता है भाई वो कि भाई मेरे को लग रहा था कि गाड़ी क्या पता 230-240 तक जाती हो, पर वो मेरा जो मैंने सोचा था ऐसा नहीं निकला। वरना अगर 230-240 जाने के लिए तो थोड़ा रोड बिल्कुल खाली चाहिए ना, और लंबा चाहिए, तो मेरे को इसलिए लग रहा था कि क्या पता टॉप स्पीड चेक ना हो पाए, पर हो गई। 203 की है जो भाई अपनी वर्टस जीटी की टॉप स्पीड है। अभी आप इसको टॉप स्पीड अभी के लिए मान सकते हो, वैसे इसकी ये टॉप स्पीड नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी गाड़ी सिर्फ 800 किलोमीटर चली है भाई। मैंने आज जो हाइपर ड्राइव पे लेके आया था जब 800 भी नहीं चली थी। अभी इंजन नया है, खुलेगा अभी इंजन, वही देसी भाषा में बोले तो रमा होएगा अभी इंजन, तो और थोड़ी बढ़ेगी। ऊपर से इसमें थोड़े अपग्रेड्स होंगे परफॉर्मेंस रिलेटेड, जैसे एयर फिल्टर वगैरह, तो और बढ़ेगी। तो ये सीन है, और अभी बस घर जा रहे हैं, सब ख़त्म हो गया, राइड वगैरह कर ली, बहुत मज़ा आया। पहली राइड थी अपनी जीटी की, याद रहेगी, 1000 किलोमीटर से भी पहले कर ली, जिगरा चाहिए भाई। तो लाइक कर देना इसी बात पे, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, रील्स आती रहती है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी पूरा एंटरटेनमेंट है ही, और बाकी कुछ अपडेट होता है तो आपको इंस्टाग्राम पे पता भी चल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लव यू गाइज़।